हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, आपके घर पे सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा। तो ये जो हमारी क्लास है, इससे पहले मैंने आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास भी ली है, जिसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हुए हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को चेक कर लेना अगर आपने वो नहीं देखा है। तो चलिए आज मैं आपके फिजिक्स के टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, सिर्फ 20 क्वेश्चंस हैं। अगर ये 20 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपका फिजिक्स में कोई एक भी क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, राइट? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप मत करना, अपनी नोटबुक निकाल लो। और बाकी चलिए वन बाय वन इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। या राइट, जो सबसे पहला है आपका, देखो चैप्टर नंबर, चैप्टर अगर मैं बात करूं तो चैप्टर है आपका 9, जो कि है लाइट, है ना। चैप्टर 9 क्या है? लाइट चैप्टर है आपका, है ना। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं। अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो उसमें सेक्शन, दो सेक्शन में डिवाइड कर रखा है इस चैप्टर को। फर्स्ट इज आपका रिफ्लेक्शन, सेकेंड इज रिफ्रैक्शन। तो इस तरीके से दोनों कॉन्सेप्ट इसके चलते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट अच्छे से पता होने चाहिए। और उससे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन आपको बता दूं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब कोई लाइट यानी इंसिडेंट रे फॉल होती है किसी स्मूथ शाइनी सरफेस पे और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना, जिस मीडियम में आई है उसी मीडियम में एक नॉर्मल की, अच्छा नॉर्मल क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है सरफेस के साथ यानी परपेंडिकुलर, और लाइट आएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब मैम रिफ्रैक्शन क्या होता है फिर, है ना। रिफ्रैक्शन बेसिकली होता है कि लाइट आई, इंसिडेंट रे फॉल हुई, नॉर्मल ड्रॉ हुआ, देन इस मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर जाएगी आपकी, जिसे हम कहते हैं क्या, रिफ्रैक्शन कहते हैं, राइट। ये दोनों चीजें क्लियर है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई एट अ सेम प्लेन, ये तीनों सेम प्लेन पे होते हैं और एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के, ठीक है। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के टू लॉज, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये तो अपोजिट साइड पे होती है पर होती है एक ही प्लेन पे है, ठीक है। अपोजिट साइड होंगी, ऊपर इंसिडेंट रे है, नीचे रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल होते एक ही पॉइंट पे है, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज क्या आती है, इसमें आता है स्नेल्स लॉ आपका। अच्छा स्नेल्स लॉ क्या होता है मैम? स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होते हैं दोनों, ठीक है। ये होता है आपका स्नेल्स लॉ, कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो वहां से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिरर और लेंस फॉर्मूला। अच्छा मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला आपका होता है वन अपॉन में एफ, एक सेकेंड जी देखो, चलो थोड़ी थोड़ी चीजें मैं यहीं पर ही बोर्ड पे लिख देती हूँ आपके सामने। मिरर फॉर्मूला आपका होता है वन अपॉन में एफ इज इक्वल टू वन अपॉन में वी प्लस वन अपॉन में यू। दैट मीन्स जो मिरर फॉर्मूला होता है उसमें बीच में प्लस आता है और लेंस फॉर्मूले में आता है इसी जगह पर आ जाता है माइनस, कब, जब मैं लेंस की बात करती हूँ तो, ठीक है। अब मैम हम याद कैसे रखेंगे, क्योंकि दिक्कत कहाँ आती है कि बी पहले आएगा या यू पहले आएगा, इसके लिए ट्रिक समझ लो। वो ट्रिक क्या है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो मिरर होता है आपका क्या होता है, जो मिरर आपका होता है तो ये मिरर आप किस लिए यूज करते हो? देखने के लिए यूज करते हो। अब देखने के लिए अगर मैं एक वर्ड आपसे रिलेट करने के लिए कहूं व्यू, क्या है व्यू, तो व्यू में आपको दो वर्ड की साउंड सुनाई दे रही है। क्या क्या सुनाई दे रही है व्यू में? आपको दो चीजें सुनाई दे रही है, एक तो है आपका वी और एक है यू, व्यू। दैट मीन्स वी आएगा पहले, यू आएगा बाद में। अगर आपसे बात करते हैं मिरर की, तब तो सेम टू सेम लिख के प्लस लिख देना। अगर आपसे बोलता है लेंस, तो उस केस में प्लस की जगह कर देना माइनस, और इन दोनों की जगह बिल्कुल फिक्स रखना वी माइनस यू, क्लियर है। चलो दोनों फॉर्मूले डन है, देन उसके बाद आता है पावर ऑफ लेंस। अच्छा क्या होता है मैम पावर ऑफ लेंस? तो आपका पावर ऑफ लेंस बेसिकली होता है जो आपकी फोकल लेंथ होती है, ठीक है, जो एबिलिटी होती है फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने की। क्या बोला मैंने? जो एबिलिटी होती है इंक्रीज फोकल लेंथ, इंक्रीज और डिक्रीज फोकल लेंथ, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस, क्लियर है। पावर ऑफ लेंस को आप डिनोट कर, देखो पावर ऑफ लेंस की अगर ऐसा यूनिट की मैं बात करूं तो ऐसा ही लेंस की होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर इसकी यूनिट होती है, डिनोटेड बाय कैपिटल डी, कैपिटल डी से आप इसको डिनोट करते हो और इसकी यूनिट क्या है, जैसे डायोप्टर है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होगा, राइट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वन अपॉन में एफ, यानी P इज इक्वल टू वन अपॉन में F। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस, राइट। तीनों चीजें क्लियर होगी, डेफिनेशन ऐसा यूनिट, देन इसके बाद इसका फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है कि
रे डायग्राम्स, मिरर के रे डायग्राम्स और लेंस के रे डायग्राम दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के डायग्राम, ठीक है. अच्छा मैं यहाँ पर आपको एक और चीज ट्रिक बताना चाहूंगी. देखो ये जो आपका है ये कौन सा मिरर है, आप मेरे को बोलेंगे मैम ये कॉन्वेक्स मिरर है. क्यों? क्योंकि इसका साइनी सर्फेस ऊपर है, पॉलिस अंदर की साइड है. वही अगर मैं आपको बोलूं ये वाला, अब आप बोलेंगे मैम इसमें बाहर पॉलिस है, दैट मीन्स ये कॉनकेव है. बट उन बच्चों को जिनको यहाँ पे डाउट होती है, मैं उसके लिए यहाँ पे ट्रिक्स बताऊंगी. क्या ट्रिक है देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पर अंदर की तरफ, क्योंकि सरफेस जो पॉलिस वाला है वो अंदर की साइड से है, ठीक है. अब ये जो केव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा होता है, यानी गहरा गुफा जैसा जो दिखेगा वो है कॉनकेव, राइट. और दूसरा वाला क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, सिंपल है. तो इनके डायग्राम्स आपको करने हैं, इन दोनों के डायग्राम्स की वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप वहां से चेक कर लेना. दोनों लेंस के भी और मिरर के भी दोनों ही डायग्राम करवाए हुए हैं. बाकी अगर नहीं मिलता है तो मैं कोशिश करूंगी, वो लिंक ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से ट्राई कर लेना. नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. मिरर के यूज जरूर पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो एमसीक्यू में आ जाए, चाहे वन लाइनर में आ जाए, ठीक है. तो और कभी कभार क्या होता है कि जब आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो उस टाइम पे भी आप एक पॉइंट इसका डाल सकते हैं यूज का, ठीक है. तो इसका जो यूज है वो कहाँ होता है वो आपको ध्यान रखना है, 2-2 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर लेना, कुछ ज्यादा लेंथी नहीं है. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का डिफरेंस और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का डिफरेंस, ये डिफरेंस भी आपको जरूर करना है. 3 से 4 नंबर का भी क्वेश्चन दिख जाता है यहाँ से, ठीक है. इसी के साथ हमारा ये जो लाइट चैप्टर ये होता है फिनिश. चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो क्या है आपका चैप्टर नंबर 10 यानी ह्यूमन आई. अब ह्यूमन आई के चैप्टर में सबसे पहला चीज है ह्यूमन आई का डायग्राम. डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है, देखो सबसे पहली चीज हमारी जो आई होती है ना, आई का जो ब्लैक वाला पार्ट आप लोग देख पाते हैं, जो किसी की आईज में डार्क ब्लैक होता है, किसी की आईज में ब्राउन होता है, तो वो चीजें हैं, ठीक है. तो ये जो पार्ट है जो हमारी आई के कलर को डिनोट करता है उसे हम कहते हैं आईरिस. और उसके बीच में बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, उसे कहते हैं प्यूपिल, ठीक है. प्यूपिल हमारे आई के साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है, आईरिस कलर को शो करता है. और बात करूं आंखों के अंदर, आई में जो लाइट होती है वो कहां से एंटर करती है, वो एंटर करती है आपकी प्यूपिल के थ्रू, है ना, देन सॉरी कॉर्निया के थ्रू वो आती है आपके आंखों के अंदर, ठीक है. और वहीं अगर मैं बात करूं रेटिना क्या होती है, रेटिना वो स्पेस है आपके आई के पीछे वाला साइड होता है जहां पर इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, जहां पर इमेज बनती है. अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी आई का, देखो आपने देखा होगा ना आई को डोनेट किया जाता है, जब आई को डोनेट करते हैं तो उस टाइम पे आई का कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं, उस टाइम पे कॉर्निया पार्ट को ही डोनेट किया जाता है, क्लियर है. देन इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि लीस्ट और फार डिस्टेंस कितनी है हमारी आई की, हमारी आंख की जो पास की दूरी, कम से कम चीज को हम देख पाते हैं. देखो अगर मैं इतना दूर से देख रही हूँ मेरे को दिख रहा है, पर और पास करूंगी मेरे को ब्लर दिखेगा, ये चीज आप ट्राई कर सकते हैं. तो जितना पास की मुझे चीजें क्लियर दिख रही थी वो था 25 सेंटीमीटर. कितना था देखो, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देंगे 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 मीटर, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है, अपने पॉइंट पे अड़े रहना है. 25 सेंटीमीटर इज अ लीस्ट डिस्टेंट वेजन, राइट. अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि ये तो हो गया लिस्ट का केस, फार कितना होगा, तो फार वाले में आपको ध्यान रखना है कि फार वाले के लिए आपका है इन्फिनिटी. कितना है, इन्फिनिटी है, हाँ जी. तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है आपका कि जो ह्यूमन आई का ही चीज हो गई, फार डिस्टेंस इन्फिनिटी है और जो लीस्ट डिस्टेंट रीजन है वो 25 सेंटीमीटर, ठीक है. देन इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसके बाद है स्कैटरिंग, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन. ये तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कैसे मैम, इनको अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट डाउन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैं सारे पॉइंट एक साथ ही बता दे रही हूँ. तो स्कैटरिंग, अगर आपसे पूछे स्काई ब्लू क्यों दिखता है, व्हाई स्काई अपीयर ब्लू, आप बोलेंगे मैम स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है. अच्छा स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे पहले होता क्या है ये तो समझ लो. देखो जब कोई एक पार्टिकल, इस पार्टिकल के ऊपर लाइट आती है और ऐसे करके फैल जाती है चारों तरफ, जो ये लाइट फैल गई ना इसे ही हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है. तो जो आपका ब्लू कलर होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है. रीजन क्या है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है. और जो रेड कलर होता है ना, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है. इसी वजह से दूर की चीजों को, सिंबल्स को शो करने के लिए रेड कलर का यूज करते हैं, क्योंकि वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है. तो ये है स्कैटरिंग. अब एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है. अच्छा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या क्या होता है मैम, पहली चीज स्काई ब्लू दिखता है, ठीक है. अगर आपसे पूछे एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, इनको स्काई ब्लैक कलर का क्यों दिखता है, रीजन बताओ, तो आप बोलेंगे कि वहां पर जो यानी स्पेस है, स्पेस में कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होता, कोई एटमोस्फेयर ही नहीं है. एटमोस्फेयर नहीं है तो कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होगा, राइट. और डस्ट पार्टिकल नहीं होगा तो स्कैटरिंग फॉर्म नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो स्काई ब्लू नहीं दिखेगा, सिंपल है. इसी वजह से स्काई कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है.
नेक्स्ट है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या, अच्छा वहां पे कुछ और चीजें छूट रही थी, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, स्काई ट्रिंग ऑफ राइट, एस्ट्रोनॉट को ब्लैक क्यों दिखता है, स्काई ट्रिंग ऑफ राइट, अगर आपसे पूछे मॉर्निंग और इवनिंग में स्काई रेड क्यों दिखता है, इसका रीजन भी स्काई ट्रिंग ऑफ लाइट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब अगला वाला देखो, अगर आपसे पूछे जो स्टार होते हैं वो ट्विंकल करते हुए क्यों दिखते हैं, आप बोलेंगे एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर आपको पूछे कि जो सन है ना वो राइज नहीं हुआ होता फिर भी हमें 2 मिनट दिख जाता है, सन सेट हो चुका होता है फिर भी हमें 2 मिनट पहले दिखता रहता है, इसका कारण है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, अच्छा क्या होता है मैम, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती है कि जब एक प्रिज्म की हेल्प से एक व्हाइट लाइट, कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट 7 ऑफ कलर में टूट जाती है, जिसे हम कहते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट। पर एक चीज और ध्यान रखना, जब ये 7 ऑफ कलर लाइट को वापस से अपोजिट प्रिज्म से पास करवाया जाता है ना, तो क्या होता है, ये फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, जब व्हाइट लाइट 7 ऑफ कलर में डिवाइड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, आर कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है ना, इसकी वजह से क्या होता है, रेनबो फॉर्म होता है। आप बोलेंगे मैम जब हम स्काई में देखते हैं बारिश होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, रेनबो फॉर्म होता है, पर ध्यान रखना जिधर सन है उसके अपोजिट रेनबो फॉर्म होता है ना, क्योंकि लाइट पास होगी ना। अब आप बोलेंगे मैम प्रिज्म तो नहीं होता वहां पर उस टाइम, तो क्या होता है, उस टाइम पे प्रिज्म का काम कर रही होती है वाटर ड्रॉपलेट, यानी पानी की बूंदे प्रिज्म का काम कर रही होती है, जिस वजह से वो 7 ऑफ कलर में स्प्लिट जाती है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है आपका, स्काई सॉरी व्हाई स्टार ट्विंकल बताई चुकी हूँ। नेक्स्ट है व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट क्यों नहीं चमकते, प्लैनेट इसलिए नहीं चमकते क्योंकि वो स्टार के कंपैरिजन में बहुत पास होते हैं हमारे अर्थ के, और जितना भी सोर्स मतलब लाइट उसके ऊपर पड़ते हैं ना वो सारी हमारे आई में एंटर करते करते क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं, कोई इफेक्ट नहीं रहता, जिस वजह से हमें जो प्लैनेट है वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। नेक्स्ट वन इज मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्लस मायोपिया, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया होता है जिसमें पास की चीजें तो क्लियर दिखती हैं पर दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती। आज के टाइम पे आपने देखा होगा बच्चों को, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ना मतलब वो परमानेंट स्पेक्स पहन के रखते हैं, जो परमानेंट स्पेक्स पहन के रखते हैं उनको दूर की चीजें क्लियर नहीं दिख रही होती, इसका मतलब उन बच्चों को कौन सा डिफेक्ट होता है, मायोपिया। आपने थोड़े एज लोगों को देखा होगा जो कभी कभी जब बहुत पास वाला काम करते हैं तो स्पेक्स लगाते हैं, बाकी टाइम पे नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि उनको पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है, दूर की चीजें क्लियर देख सकते हैं ना, इसका मतलब उनको कौन सा डिफेक्ट है, उनको हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं, आपने कुछ लोगों का स्पेक्स देखा होगा, कैसा, आप लोगों ने कुछ लोगों का स्पेक्स देखा जिसमें ऐसे करके बना होता है, मतलब इसमें 2 लेंसेज होते हैं, बाइफोकल लेंस का यूज करा जाता है, वो कौन है, प्रेस मायोपिया, यानी जिनको दोनों डिफेक्ट हो रखे होते हैं, ये थोड़ा एज्ड लोगों को होता है, क्लियर है। अब मैम बात आती है कि इसको कैसे करेक्ट करेंगे, करेक्ट करने का रीजन भी तो पता होना चाहिए, कैसे ठीक होगा। ठीक करने के लिए मेथड ये है आपको कि देखो जो मायोपिया है उसमें दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती, पर यहाँ पर दूसरी चीजें रिलेट करो, हाइपरमेट्रोपिया वाले लोग पास की चीजों को देखने के लिए स्पेक्स यूज कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें छोटी वाली चीजों को बड़ा दिखाने की जरूरत है, राइट, इसका मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे कौन, हाइपरमेट्रोपिया वाले लोग, तो मायोपिया वाले लोग क्या यूज करेंगे, कॉनकेव, प्रेस मायोपिया, दोनों ही यूज करते हैं, क्लियर है। आगे चलो, इसके बाद लीस्ट डिस्टेंट और फास्ट डिस्टेंट रीजन ये मैं आपको बताई चुकी हूं, इसी के साथ ही जो ह्यूमन आई चैप्टर डन हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 11 जो क्या कहता है, ये है आपका लाइट चैप्टर, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर से डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं, और ज्यादातर इसमें देखो 95% चांसेस होते हैं कि इस वाले क्वेश्चन से न्यूमेरिकल आता ही आता है, या इसके ऑप्शन में थ्योरी भी दी होती है कभी कभी कि आप न्यूमेरिकल छोड़ के थ्योरी को कर सकते हैं, ठीक है। चलो आओ, क्या है, विच फैक्टर डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर पे डिपेंड करते हैं। पहला क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, यानी जो लेंथ होगी ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, रेजिस्टेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर के, कितना एरिया होगा, ठीक है, यानी कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, लेंथ जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लियर है, यानी दोनों अपोजिट, तो ये दोनों चीजें फैक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्या है मैम, रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट का अपोज करता है, करंट को प्रॉपरली ना जाने दे उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका न्यूमेरिकल, मैंने बताई थी न्यूमेरिकल आता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दैट मींस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या कांस्टेंट आता है, आर, यानी कि रेजिस्टेंस, और इसे हम कहते हैं ओम्स लॉ, है ना। जब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल
सॉरी उसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। ओम का सिंबल क्या होता है मैम? ओम का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। और जो ओम है वो किसके असाइनेट है? रेजिस्टेंस के असाइनेट है। और रेजिस्टिविटी की असाइनेट क्या होती है? ओम मीटर होती है। ये चीज भी क्लियर है। और हाँ, ऐसा इवेंट जरूर याद कर लेना, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कहां से। करंट की असाइनेट होती है एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस की असाइनेट होती है वोल्ट। और अगर आपसे बात करूं चार्ज, चार्ज की असाइनेट होती है कूलम। अगर आपसे पूछे वर्क डन, वर्क डन की असाइनेट होती है जूल। अगर आपसे पूछे अगर एनर्जी वगैरह हो तो उसकी भी जूल ही रहती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देन उसके बाद आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला जान लो, क्या होता है? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसमें क्या होता है, हीट जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी? स्क्वायर ऑफ द करंट के एंड टाइम टेकन। जितना टाइम लेता है कोई, देखो आपने देखा होगा जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं अगर हम उसको चला के रखते हैं, यूज करते हैं, तो क्या होता है अपने आप से वहां पे हीट जनरेट हो जाती है। यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, ये इलेक्ट्रिसिटी खत्म है। देन उसके बाद चैप्टर पे जंप करो, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 क्या है? करंट इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज को एज अ सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं। फ्यूज को एज अ सेफ्टी डिवाइस यूज किया जाता है किसके लिए? लो रेजिस्टेंस के लिए। आपने देखा होगा हमारे घरों में कई बार फ्यूज लगे हुए रहते हैं, जो क्या रहता है कि अगर कभी ज्यादा ओवरलोड हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का तो वो फ्यूज ना फ्यूज हो जाता है और बाकी इंस्ट्रूमेंट को बचा देता है खराब करने से, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट है अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर क्या है? बेसिकली अर्थिंग वायर का जो बाहर वाला इंसुलेशन होता है ना कवर, वो ग्रीन कलर का होता है और इसमें ना एक एल्यूमिनियम के प्लेट लगाई जाती है और उसके बाद जमीन में डाल दिया जाता है तार को। मेनली रीजन क्या है कि आपको पता है अर्थ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओवरलोडिंग होती है, उसको कम करने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा जो भी है वो अर्थिंग में चले जाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेट की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, राइट। और जो मैग्नेट के पोल होते हैं, टू पोल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ टू नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो चलती है, ठीक है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्रॉस नहीं करती कभी, मतलब हमेशा पैरेलल चलती हैं, है ना, और ये हमेशा कर्व शेप बनाती हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल और थंब रूल। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसमें ऐसे याद रखो, ऐसे अलाइन करो कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल, यहाँ 90 डिग्री का एंगल और इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल आपका होना चाहिए, समझ गए। तो ये चीज फादर मदर चाइल्ड, व्हाट इज इट्स मीन? इस फोर्स, ये थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, ये जो फिंगर है इसको कहते हैं फोर फिंगर, ये रिप्रेजेंट करती है किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। ये फिंगर है आपकी कौन सी? ये है आपके मिडल फिंगर जो कि रिप्रेजेंट करती है किसको? करंट को, ठीक है। ये तीनों फिंगर है और ये हमें ऐसे अलाइन करनी होती है कि तीनों आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सेम ऐसे ही जब राइट हैंड से बनाया जाएगा इसे कहेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। वहीं जब मैं बात करूं थंब रूल, थंब रूल क्या कहता है? थंब रूल के अंदर देखो, जब मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया था, राइट हैंड रूल बताया था, उस टाइम मैंने बोला था थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, पर जब मैं बात करूंगी थंब रूल की, राइट हैंड थंब रूल, तो उस टाइम पे थंब रिप्रेजेंट करता है किसको? करंट की डायरेक्शन को, और फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, देन है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे कवर हो जाने चाहिए और यही 20 क्वेश्चन है जो आपके फिजिक्स के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पिछले सालों के जो पेपर है जिनको मैंने एनालाइज करा है, तो अभी भी जो पेपर हो रहे हैं ना कंटिन्यूसली, आपने देखा होगा जो ही प्री बोर्ड चल रहे हैं उनमें भी यहाँ से ही क्वेश्चन दिख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लो, और अगर आपको इसका, जैसे कि मैंने जूम क्लासेस भी कंडक्ट की हुई है, सैटरडे संडे दो दिन होती है हमारी, और बाकी डेली वीक में 3 से 4 वीडियो का टारगेट है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए, लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन अच्छा हो।